आज हम आपको वैसे तरुण क्रांतिकारी की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने आजादी का पहला बम विस्फोट किया था और हंसते हंसते झूल गए थे फांसी के फंदे पर। आज कहानी खुदीराम बोस की। आज ही के दिन खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। दरअसल 8 अप्रैल 1908 को 17 साल के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का दायित्व सौंपा गया था। इससे पहले भी क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को पार्सल बम भेजा था, लेकिन इस पार्सल को खोलते हुए किंग्सफोर्ड की जगह उनका कर्मचारी घायल हो गया था। तब किंग्सफोर्ड बंगाल में कार्यरत था। इस घटना के बाद उसने अपना स्थानांतरण बिहार के मुजफ्फरपुर में करवा लिया था। इसके बाद युगांतकारी संगठन ने खुदीराम बोस को 2 पिस्तौल दी और प्रफुल्ल चाकी को 1 पिस्तौल और भेज दिया गया उन्हें मुजफ्फरपुर। 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस अपने मिशन को अंजाम देने पहुंचे मुजफ्फरपुर और मोती झील के एक धर्मशाला में ठहर गए। इन दोनों ने किंग्सफोर्ड के आवास और दफ्तरों की रेखी शुरू की। किसी तरह से इसकी भनक पुलिस को लग गई और किंग्सफोर्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह देख लिया था कि हर रात को किंग्सफोर्ड अपनी पत्नी के साथ क्लब बग्घी से आता है। फिर योजना बनी और किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंकने का मिशन तय किया गया। दिन था 30 अप्रैल 1908, वक्त शाम के 8 बजे का। अंधेरे ने रात को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। किंग्सफोर्ड के घर के अहाते में एक बग्घी पहुंचती है और उस पर बम फेंका जाता है, पर इस बग्घी में किंग्सफोर्ड नहीं थे, 2 महिलाएं इस बग्घी में सवार थी। इस घटना के रिकॉर्ड में यह बातें दर्ज है कि बम का धमाका इतना तेज नहीं था, लेकिन उसके जो निशाने थे वो इतना अचूक निशाने के साथ उसे फेंका गया था कि निशाना लेने में 1 फीट की भी गलती नहीं हुई थी। किंग्सफोर्ड की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने धमाका सुनने के बाद जब वहां देखा तो 2 लोग दक्षिण की ओर भागते दिखे, फिर वो अंधेरे में कहीं गुम हो गए। इधर खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी दोनों वहां से भाग निकले। खुदीराम के जूते हड़बड़ी में वहीं छूट गए थे। घटना के बाद जिला के एसपी ने कई टीमें बनाई और 5,000 रुपये का इनाम इनके बारे में सूचना देने वालों को देने का ऐलान कर दिया। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी रेलवे लाइन पकड़कर मुजफ्फरपुर से बाहर की ओर भागे। दिन के 1 मई ढोली रेलवे स्टेशन के पास खुदीराम बोस आराम करने के लिए बैठे। वहाँ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि किंग्सफोर्ड नहीं मरा, अंग्रेज माँ बेटी मर गई। यह सुनकर खुदीराम बोस के मुँह से निकल गया, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? इसके बाद लोगों ने बंगाली भाषी युवक को संदिग्ध जानकर पकड़ लिया। इस वक्त उनके कपड़े से 1 पिस्तौल भी नीचे गिर गई। खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल पर पाए गए जूते को उन्हें पहनाकर देखा गया, जूते बिल्कुल सही आए। उधर प्रफुल्ल चाकी को मोकामा रेलवे स्टेशन पर पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपने आप को 2 गोलियां मार ली और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। इधर खुदीराम बोस पर मुकदमा चला और 11 अगस्त 1908 को इस देशभक्त किशोर को फांसी दे दी गई। इसके बाद देशभक्तों ने खुदीराम बोस की तस्वीरें देश भर में बांटी। बंगाल के दस्तकारों ने एक खास धोती बुननी शुरू की जिसके किनारे पर खुदीराम बोस लिखा रहता था। खुदीराम बोस के सम्मान में एक गीत लिखा गया, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी। तो आज इस देशभक्त के शहादत का दिन है। आज ही के दिन खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। आज हम सब इस तरुण वीर को नमन करें। 10 न्यूज की इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।